दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। आज एक बार फिर से हम शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। 5034 अतिथि शिक्षक के लिए भर्तियाँ निकली है, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उन पर आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सैलरी इसमें 15,000 है, मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। 13 दिसंबर से 22 दिसंबर 2018 तक आप इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है, एप्लीकेशन फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करनी है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। उत्तराखंड गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं योग्य कैंडिडेट्स के द्वारा। टोटल 5034 वैकेंसी इसमें निकली है। बाकी की जानकारी आप वीडियो को पूरा देखने के बाद चेक कर सकते हो। 5034 अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को 5034 खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक आर के कुंवर ने बताया कि सहायक अध्यापकों के 834 और प्रवक्ताओं के 4200 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 13 दिसंबर सुबह 8 बजे से शिक्षा विभाग के एजुकेशनल पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खाली पदों का ब्यौरा भी उपलब्ध रहेगा। पोर्टल पर ही सभी जिलों 13 जिलों के विषय अनुसार रिक्त पदों का ब्यौरा भी उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी खाली पदों की संख्या को देखकर उनके अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 22 दिसंबर तक आवेदन का समय दिया गया है। इसके बाद सॉफ्टवेयर खुद ही मेरिट तैयार कर जिलावार सूची जारी कर देगा। इस सूची के आधार पर ही खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, कुछ दिन पहले इसकी न्यूज़ आई थी, कैबिनेट ने फैसला लिया था उत्तराखंड में 5,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। फाइनली ये भर्ती शुरू हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इस पर अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय किया है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया। राज्य के माध्यमिक स्कूलों में खाली प्रवक्ता और LT कैडर के 5,034 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता कैडर में 4200 पद खाली है, जबकि LT कैडर के 834 पद खाली है। इन सभी पदों पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। जिला स्तर पर DM की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी मेरिट के आधार पर चयन करेगी। पूर्व में 3 शैक्षिक सत्रों में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए कैबिनेट ने उन्हें अतिरिक्त अंक की सुविधा देने का भी निर्णय किया है। पूर्व के अनुभव के लिए 12 अंक तय किए गए हैं। जिला या मंडल स्तर पर आवेदन करने की बाध्यता को भी कैबिनेट ने खत्म कर दिया है। आवेदक किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है। गेस्ट टीचर यानी कि अतिथि शिक्षक की ये भर्ती है। 5,034 टोटल वैकेंसीज है। सहायक अध्यापक के 834 पद है और प्रवक्ता के 4200 पद है। इसमें सहायक अध्यापक के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें BEd के साथ होना अनिवार्य है। BEd होना अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हो TET2 में भी क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष है। 15,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए दी जाएगी। फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करनी है। आप नोटिस से भी रीड कर सकते हो। मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है schooleducation.uk.gov.in। ऑनलाइन आप इस भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 दिसंबर 2018 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर विजिट करके आप ये सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड का एजुकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहीं से आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF 13 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हो और सिंपली अप्लाई ऑनलाइन भी इसी पोर्टल से कर सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।